सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, खास तौर पर भारतीय फैंस और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो कि क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़े T20 सीरीज होने जा रही है। इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच, यानी कि एक तरफ होगी इंडिया की टीम और दूसरी तरफ होगी पूरे वर्ल्ड 11 की टीम। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी यह T20 सीरीज इंडिया वर्सेज वर्ल्ड 11 के बीच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेली जाएगी। दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं इसी तरह, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी T20 सीरीज होने जा रही है इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच, जहां पर एक तरफ होगी इंडिया टीम तो वहीं दूसरी तरफ होगी वर्ल्ड 11 की टीम, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी टीमें हैं सभी टीमों के टॉप प्लेयर को मिलाकर एक वर्ल्ड 11 की टीम मानी जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान की टीम में इस टाइम पर सबसे खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं बाबर आजम, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन, तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से आंद्रे रसल। ऐसे ही कर करके वर्ल्ड के जितने भी खतरनाक खिलाड़ी होंगे उन खतरनाक खिलाड़ियों को मिलाकर एक वर्ल्ड 11 की टीम बनाई जाएगी सारी टीमों को मिलाकर, जबकि एक तरफ अकेली टीम होगी टीम इंडिया और इंडिया वर्सेज वर्ल्ड 11 के बीच T20 मैच होने जा रहा है साल 2020 में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है अहमदाबाद इंडिया में, जो कि अहमदाबाद इंडिया में ही खेला जाएगा इंडिया 11 वर्सेज वर्ल्ड 11 के बीच, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम यानी कि MCG, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन अब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा स्टेडियम नहीं रहा, क्योंकि अब बन चुका है इंडिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है और ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, इसमें सारा काम हो चुका है, बस थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, पूरी तरह से रेडी हो चुका है ये सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद का। और अब ICC और BCCI मिलकर ये विचार कर रही हैं कि अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का पहला ही मैच यानी कि उद्घाटन मैच इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच मैच कराया जाए। आपको बता दें कि अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 10% और भी ज्यादा कैपेसिटी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कैपेसिटी है 1 लाख, जबकि सरदार पटेल अहमदाबाद के इस स्टेडियम में 1.1 लाख कैपेसिटी है। इन सीटों के अलावा यह माना जाता है कि स्टेडियम परिसर में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 अभ्यास मैदान, इंडोर अभ्यास पिच, 1 प्रशिक्षण केंद्र और 55 कैमरों का क्लब हाउस होगा। द वीक ने यह भी बताया कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम को बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लग चुके हैं अप्रोक्स, और जनवरी 2020 तक आयोजन स्थल तैयार हो जाएगा। जी हाँ, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम अहमदाबाद का ये सरदार पटेल स्टेडियम जनवरी 2020 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और जनवरी 2020 में ही ICC और BCCI मिलकर ये विचार कर रही हैं कि इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच एक T20 मैच या फिर एक T20 सीरीज कराई जाए उद्घाटन के तौर पर, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है इंडिया में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम। दोस्तों, इंडिया वर्सेज वर्ल्ड 11 के बीच T20 मैच या फिर T20 सीरीज होने की काफी ज्यादा संभावना है अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में, हालांकि अभी तक इसका कंफर्म शेड्यूल अनाउंस नहीं करा है ICC या फिर BCCI ने, अभी सिर्फ विचार ही कर रही हैं। ऐसे में जिस भी नजरिए पर पहुंचेंगी आपको हमारे YouTube चैनल क्रिकेट सुपर फैंस में उसकी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। अगर इसका कंफर्म शेड्यूल अनाउंस होता है तब भी आपको हमारे चैनल में उसकी कंफर्म वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।